मानने वाली नहीं हूं, वो भी ढीठ है और ये भ्रमरी भी ढीठ है। जैसे वो प्रिया की कुछ कुमकुम को धारण करके विराजमान, ऐसे इस भ्रमरी की भी मूछों में अन्य जो नायिकाएं हैं उनकी कुछ कुमकुम लगी हुई है और हमको मनाने आई है। ये प्यारी की भी अकुशलता है और साथ के साथ में उसके दूत की भी अकुशलता है। तो अनुनयत मोरमाम ने तो कामा, मुझे बुलाने के लिए ये अलनियम, ये अलनी भ्रमरी आई है। यह अलन मधुरोक्ति ही, अरे भ्रमरी क्यों मेरे पैरों में गिर रही है, दूर हट दूर हट। तस्य दृष्टिम शठस्यो, तेरे वचनों में उस शठ की ही सारी दृष्टि यूं की त्यों को भी हुई है। प्यारे की दृष्टि, प्यारे की दृष्टि में सच की दृष्टि तेरे चरणा तेरे वचनों में पूरी हुई है। परंतु हम अब शाम की चर्चा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों जितने भी काले हुए सब के सब ठगिया। श्रीमद् भागवत जैसे वर्णन कर रही है धर्म गीत में, बोले हम काले के साथ में प्रीति नहीं करेंगे, केशों में केशर पोत लेंगी, शाम कंच की धारण नहीं करेंगी, मस्तक के ऊपर शाम बंदनी उनको धारण नहीं करेंगी, आभूषणों में लगे हुए जितने भी नीलम के नग हैं उन सबों को नोच नोच करके फेंक देंगी, काल नेत्रों में कज्जल धारण नहीं करेंगी, शाम के साथ में अब कभी भिड़ेंगी ही नहीं, शाम के साथ में प्रीति नहीं करेंगी, क्यों जितने भी काले हुए वे सब के सब ठगिया हुए। हुए कोई काले त्रेता युग में, वो नाम मत पूछने की जरूरत नहीं है, हैं कोई काले त्रेता युग में हुए। दो भाइयों की लड़ाई, एक भाई को गले लगा लिया, दूसरे भाई के ऊपर बाण मार दिया, एक रूपसी इनके रूप को देख करके मोहित हुई, अपने छोटे भाई से कह करके उसके नाक कान काट लिए। बोले महारानी वे तो क्षत्रिय थे, उनमें कठिन चित्तता हो सकती है। तो कह रही है उनने ब्राह्मण बनकर के कौन सा काम किया, एक और काले थे, वही नाम पूछने की जरूरत नहीं है, हैं कोई काले सतयुग में उत्पन्न हुए, किसी दाता के पास में गए कि हम तीन पांव पृथ्वी नाप करके लेंगे, जब पैर दिखाए उस समय पैर कोई से थे, जब नापने बैठे तो सब जाने पूरा उसका राज्य नाप लिया, तो बल मत बल मतवा बेष्टे ध्वान छप दिया, तब अलम असित सक्षय दुस्तेजस तब कथा था। अब हम असित के साथ में शाम के साथ में प्रीति नहीं करेंगे। भोरा कह रहा है कि महाराज कह तो रही हो उस शाम के साथ में प्रीति नहीं करेंगे, पर जब से आया हूं शाम के अतिरिक्त कोई दूसरी चर्चा है ही नहीं, ये क्या हो रहा है, कह रही हो शाम से प्रीति नहीं करेंगे और चर्चा उसी उसकी कर रही हो। ये कह रही है भोरा कहे तू साची दुस्तेजस तत् कथा था, उसकी कथा त्याग करना ये बड़ा कठिन है, क्योंकि यदन चरित लीला कर्ण पीयूष विप्र, परंतु जान गई उसकी कथा भी बहुत बुरी है, उसकी कथा भी कोई मत सुनना। भैया यदि तुमको अपना घर गृहस्थी संभालनी है, अपने काम काज को फैक्ट्री दुकान को संभालना है, तो कृष्ण कथा से सदा दूर रहना, क्योंकि कृष्ण कथा की एक विप्र एक बूंद भी तुम्हारे कान में पड़ गई तो तुम घर के काम काज के नहीं रहोगे। जनरल चरित लीला कर्ण पीयूष विप्र सकृत दग्ध धर्म सकृत अदन, जरा सा उसका पान किया जिन्होंने कृष्ण नाम जिनके कान में पड़ गया, वे सब कुछ भूल करके और तुरंत ही वे वन को चले जाते हैं। परंतु हाय जिसने लकोटी लगा दी, सारा राज्य छुड़वा दिया, गृहस्थी के द्वार पर जब जाते हैं तब भी उसका नाम छोड़ते नहीं बनता है, तब भी हरे कृष्ण कहकर के ही माधुरी मांगते हैं। जिस हरे कृष्ण ने ये तो दशा करा दी कि अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, अच्छा खासा साम्राज्य था, पूरा साम्राज्य छुड़ा दिया, लगोटी तो लगवा दी, परंतु फिर भी उसका नाम छोड़ते नहीं बनता है। तो तद अलम असत सच्चे दुस्तेजस बहव विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती, बहुत से जो हैं वो भिक्षुचर्या करते हुए विराजमान हो रहे हैं। फिर कह रही है ना ना ना, इसलिए तूने बिल्कुल सही कहा कि
शाम से ही प्रीति नहीं, शाम की कथा से भी प्रीति निकलनी पड़े करनी चाहिए। अब हम विषयों में चित्त लगाएंगे, तेरे पास में कोई विषय की कथा हो तो सुना। उद्धव तो आश्चर्यचकित हैं कि प्रत्याहृति मुनि क्षण विषय को यस्मिन मनो धिष्यते। श्री बिरद माधव का श्लोक है किशोर लील के विषय में कि प्रत्याहृति मुनि क्षण विषय को यस्मिन मनो धिष्यते बालेयं विशेषु धिष्यति ततः प्रत्याहरन्ति मनः। योगीगण बड़े प्रयत्न के द्वारा संसार से चित्त को हटाने के लिए, संसार में जो चित्त जा रहा है उसका निध्यासन करने का कितना प्रयत्न करते हैं और उसके लिए कितने अष्टांग योग करते हैं कि निध्यासन सिद्ध हो जाए, पर निध्यासन उनका सिद्ध होता नहीं है, विषयों में चला जाता है। परंतु इस बाबा का की दशा देखो, पूर्णमासी जी कह रही है कि ये विषयों में चित्त लगाना चाहती है, कृष्ण से चित्त हटाती है और हृदय में बैठे हुए प्यारे से झगड़ा करती है कि अरे शक क्यों मेरे हृदय में बैठा है, दूर हट दूर हट, चला जा मेरे हृदय से। तो जिसकी एक झलक को पाने के लिए योगी तो उत्कंठित होते हैं और ये बाला अपने हृदय में आसन जमा करके बैठे हुए उस श्याम सुंदर से सदा झगड़ा करती है, उसका अपमान करके उसे अपने बाहर निकालना चाहती है, हृदय से दूर करना चाहती है। सो आज ये कह रही है तद अलम मधुरोक्ति, अब मधुरोक्ति कहने की जरूरत नहीं है, तस्य दृष्टिं शठस्य, क्योंकि तेरी मधुरोक्ति में उस शठ की ही दृष्टि पूरी तरह से समाई हुई है, उस शठ के मन की भावना वो ही तेरे हृदय में पूरी तरह से समाई हुई है। तो अननयत मोहतमा नेतुकामा, मुझे प्यारे के पास में ले जाने के लिए अलनियम, ये भ्रमरी को देखो कैसी मेरी खुशामत कर रही है। तद अलन मधुरोक्ति ही, अरे भ्रमरी मेरे साथ में ऐसे मधुरोक्ति मत कर मत कर। तस्य दृष्टि शठस्य, तेरे हृदय में तेरे वचनों में उस शठ का ही सारा भाव भरा हुआ है, परंतु मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। पर मसी मुस्कुराती हुई कह रही हैं, अहो निखलम एव वृंदावनी प्राण वृंदम भूति भूत भूतम यम मन्यते महामानिनी। इस मानिनी को देखो कि वृंदावन के संपूर्ण प्राणी वृंदों को ये श्याम सुंदर की दूति मान रही है, भौरी आई है यो ही, पर ये मान रही है कि भौरी प्यारे ने भेजी है। तो इसके प्रेम की अपूर्व दशा देखो, मान की दशा देखो कि मान में संपूर्ण वृंदावन के कीट पतंग को भी श्याम सुंदर का दूत समझ रही है, और ये समझ रही है प्यार लोग मुझे मनाने के लिए प्यारे ने ये दूत भेजा। बलिहारी बलिहारी इस उन्माद दशा का, इस महा प्रेमोन्माद दशा का क्या निरूपण किया जाए, प्रेमोन्माद की अपूर्णता जहां पर क्रमी उनमें भी प्यारे के दौत्य की कल्पना कर रही है। इतने में श्री राधिका प्रेम आवेश नाट्यंती स चमत्कार, प्रेम आवेश उनको प्रकट करती हुई एकदम चमत्कृत होकर के कहे कि कथम एष माम बलात्कारेण परद्धुम उपसन्न कृष्ण। अरे रोको रोको, ये कृष्ण देखो मुझे बलपूर्वक अपनी भुजाओं में बांधने के लिए मेरे पास में चला आ रहा है। तो कथम माम बलात्कारेण परद्धुम, मुझे अपनी भुजाओं में बलपूर्वक आवद्ध करने के लिए उपसन्न कृष्ण, ये कृष्ण उपसन्न माने निकट आ गया है, निकट आ गया है, इसको रोको रोको। पूर्णमासी जी छिपी हुई दर्शन कर रही है, पूर्णमासी जी ललता जी ये प्रिया जी बिल्कुल एकांत में इस समय कोई नहीं है, प्रिया जी के पास में स्वामी जी के पास में वसक ये दोनों आई हैं और श्री राधिका के भावोन्माद को देखना चाहती हैं, और उस भावोन्माद को देखने के लिए पेड़ के पीछे छुप करके ये देख रही है। और पूर्णमासी जी कह रही है कि गंभीर अनुराग विवर्ता आय, आहा प्रेम विवर्त ये अद्भुत रूप में इनमें विराजमान। एक शब्द का गौड़ी वैष्णवों ने सर्वोत्तम राधिका प्रेम के निरूपण में बहुत प्रयोग किया, प्रेम विलास विवर्त। श्री राय रमन संवाद में
इस शब्द का बहुत प्रयोग हुआ, प्रेम विलास व्यवर्थ, प्रेम व्यवर्थ, प्रेम विलास व्यवर्थ। व्यवर्थ के तीन अर्थ होते हैं। व्यवर्थ का एक अर्थ है पराकाष्ठा दशा, उसका नाम व्यवर्थ। कंडेंस जो पोजीशन है उसको व्यवर्थ कहते हैं। कोई वस्तु अतिशय परिपाक को प्राप्त होकर के जो विराजमान हो, कंडेंस जो पोजीशन है उसका नाम होगा व्यवर्थ। एक व्यवर्थ का। व्यवर्थ का दूसरा अर्थ है भ्रम, इल्यूजन। किसी भी वस्तु में किसी का भ्रम हो जाए उसका नाम भी व्यवर्थ है। और व्यवर्थ का तीसरा अर्थ है जहां चेष्टाएं परिवर्तित हो जाए उसका नाम है व्यवर्थ। तो प्रेम विलास व्यवर्थ, इसमें तीन अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। अर्थात मुख्य अर्थ है कि प्रेम अत्यंत अत्यंत घनीभूत होकर के परम आस्वादनी होकर के विराजमान, ये हो गया व्यवर्थ माने पराकाष्ठा परिपाक। व्यवर्थ का दूसरा अर्थ है कि जहां कहीं भ्रम हो जाए उसको भी व्यवर्थ कहते हैं। वस्तु में अवस्तु की भ्रांति होना ये वेदांत में व्यवर्थ कहलाता है। संपूर्ण जगत ब्रह्म का व्यवर्थ है ज्ञान जन कहते हैं। ऐसे ही यहां पर है सामान्य दूत, एक भ्रमरी आ रही है, परंतु शिवप्रिया जी को व्यवर्थ हो रहा है कि भ्रमरी श्याम सुंदर की दूत है, प्यारे ने दूत बना करके मेरे पास में भेजी है, ये व्यवर्थ प्राप्त हो रहा है। जो प्रकृति की सामान्य चेष्टाएं हैं, स्वाभाविक चेष्टाएं हैं, उनमें अपने प्रेम की ये भ्रम प्राप्त करके प्यारे ने मेरे पास में भेजा है, इस भाव को धारण करके श्री प्रिया विराजमान। और व्यवर्थ का तीसरा जो स्वरूप है वो है जहां चेष्टाओं का भी परिवर्तन हो जाए। जैसे कृष्ण ध्यान करते हुए कह रही है कृष्णो हम पश्यत गतिम ललता मित्तन मना, मैं ही कृष्ण हूं, अनुखन राधा माधव रचियत सुंदर भेद मधाई के माई। श्री विद्यापति जी कह रहे हैं कि राधा माधव का माधव का स्मरण करते हुए, अनुखन माधव माधव रचियत माधव माधव का स्मरण करते हुए, ये राधिका माधाई होकर के कृष्ण होकर के ही विराजमान हो जाए। तो ये है चेष्टा का विपरीत। तो चेष्टा विपरीत को भी विवर्त कहेंगे। भ्रम हो जाना कि ये मेरे लिए ही दूती आ रही है, ये भी विवर्त है। और प्रेम की पराकाष्ठा प्राप्त हो जाए और आस्वादन हर जगह प्यारे का आस्वादन प्राप्त होना, इसका नाम भी विवर्त है। तो श्री पौर्णमासी जी वही कह रही है, गुरु गोस्वामी जी ने विवर्त शब्द कितना सुंदर, अनुराग विवर्त ये पारभाषिक शब्द है, और इस अनुराग विवर्त का अर्थ समझने के लिए पूरे राय रामानंद प्रसंग में जहां प्रेम विलास विवर्त का वर्णन किया, वो प्रेम विलास विवर्त के उस संदर्भ को, उस भाव को पूरी तरह से स्वीकार करना पड़ेगा। यहां पर वो ही भाव प्रस्तुत हो, श्री राधिका में प्रेम विलास विवर्त की प्राप्ति, पराकाष्ठा की प्राप्ति हो रही है। जैसे प्रेम वृद्धि में स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव हो, प्रेम ही कहीं कंडेंस होते हुए स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव दशा को प्राप्त होता है, ऐसे प्रेम ही जैसे ईख का जो रस है उसको ही गाढ़ा किया गुण बन गया, उस गुण को ही कहीं बूरा बनाया कच्ची खांड बनाया, उसको ही चीनी बनाया, उसको ही मिश्री बनाया, उसको ही सिता बना दिया, कंद बना लिया। तो जैसे है ईख का रस ही, ऐसे है प्रेम ही, परंतु और गाढ़ा होते हुए और शुद्ध होते हुए वह जैसे कुंद बन करके कंद बन करके विराजमान होता है, इसी प्रकार ये प्रेम ही वृद्धि क्रम में स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव दशा को प्राप्त करके विराजमान होता है। वो महाभाव उसी का नाम है प्रेम विलास विवर्त। उस महाभाव का ही एक अनुभाव है प्रेम विलास विवर्त, उस विवर्त को प्राप्त करके विराजमान हो रहे हैं। तद अस्याम यद अस्याम माधवस्य विस्फोरणम, बोले आहा देखो अस्याम माधवस्य विस्फोरणम, इस राधिका के हृदय में ही
माधव का विस्फोरण हो रहा है, माधव प्रकट हो रहे हैं। अर्थात आप माधव का ध्यान करते करते मैं ही माधव हूं ये विचार कर रही है। अब मैं ही माधव हूं ये कैसे, ये ज्ञानी की उपाधि रहित होने पर जो निरुपाधि जो शुद्ध दशा है, सायुज दशा है, वो सायुज दशा नहीं है। यहां पर प्रेम का आस्वादन निरंतर विद्यमान है और उसको कई बार दृष्टांत में पहले भी वर्णन कर चुके हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा है, कोई शेर आ गया और वो व्यक्ति हड़बड़ा करके भय से वहीं मूर्छित होकर के गिर गया, शेर ने उसको देखा भी नहीं, शेर तो अपने कूद फांद करते हुए उसको भांग करके चला गया, उसे सूंघा भी नहीं उसे, और वो व्यक्ति मूर्छित पड़ा हुआ है। उसको ढूंढते हुए कोई दूसरे व्यक्ति आए और पूछ रहे हैं, अरे क्या हुआ, तू यहां पर कैसे, सुरक्षित है ना, परंतु वो बोल नहीं रहा है, मूर्छित है, उसके ऊपर पानी वानी डाला, उसको होश आया, बोल क्या हुआ क्या हुआ, तो वो भय इतना भयभीत है वो मूर्छित व्यक्ति कि वो ये नहीं कहेगा, कोई कहानी नहीं बताएगा कि मैं ऐसे जा रहा था और वहां से शेर आया, ये सब नहीं बताएगा, वो भय के कारण केवल इशारे में बताएगा, ओ हा हा ऐसा कहकर के वो बताएगा, माने शेर की चेष्टाओं का स्वयं अनुकरण करने लग जाएगा। ऐसे ही प्यारे का स्मरण करते करते श्री किशोरी जो कहने लगती है, कृष्णो हम पश्यति गतिम, अरे मेरी इस गति का दर्शन कर, मेरी गति का दर्शन कर। यहां पर नायिका भाव समाप्त नहीं हुआ, ज्ञानी के मोक्ष की स्थिति है कि उपाधि का निराश हो जाने पर केवल आत्म तत्व का स्वतः स्फुरण होना, इसका नाम है ज्ञानी का मोक्ष। पर यहां पर वैसा मोक्ष उपाधि का यहां पर निराश नहीं है, यहां पर उपाधि अत्यंत अत्यंत घनीभूत होकर के उपाधि विराजमान, उल्टी प्रेम भाव उल्टा और घनीभूत होकर के विराजमान, उपाधि का नाश होकर के केवल चैतन्य मात्र रह गया हो, उपाधि समाप्त हो गई हो, वो ज्ञानी का मोक्ष है, परंतु यहाँ पर वो मोक्ष नहीं है। श्री पौर्णमासी जी कह रही हैं कि अहो गंभीर अनुराग विवर्तोयम् यदस्यां माधवस्य विस्फोरणम्, कि इसमें माधव का विस्फोरण हो रहा है और स्वयं ही कह रही है मैं ही माधव हूँ, मैं ही माधव, ये स्फूर्ति करते हुए विराजमान हो रही है। श्री किशोरी जी उस समय कभी अपने आप को माधव समझ रही थी और फिर जब भाव और ज्यादा थोड़ा कम हुआ तो उस समय सामने प्यारे का दर्शन करके सहुंकार पर आवृत्ति हो, हुंकार करती हुई पलट करके शांतनर से कहती है कि भो वक्र कला शालिन, अरे टेढ़ी कला को धारण करने वाले, अरे श्याम सुंदर वक्र कला टेढ़ी कला को ही धारण करने वाले, अरे वक्र कला शालिन, अरे श्याम सुंदर चंद्रावली क्रोध चरासंग भंगुर कुरंग, अरे क्या सुंदर संबोधन, कैसा सुंदर कि अरे चंद्रावली की गोदी में निरंतर निरंतर क्रीड़ा करने वाले, अरे मृग कुरंग, ये श्याम सुंदर, हाँ हाँ यहाँ काय को आओगे, चंद्रावली की गोदी में उनके अंग में क्रीड़ा करते हुए विराजमान हो, अरे चंद्रावली की गोदी में क्रीड़ा करने वाले, अरे कुरंग क्यों मेरे पास में आ रहे हो, अरे सना वक्र कला शालिन टेढ़ी कला को धारण करने वाले, यहाँ काय को आओगे, क्यों टेढ़ी कला को दिखा रहा है, मैं तेरी एक एक टेढ़ी कला की सारी नस जानती हूँ, मैं तेरे पूरे लक्षण जानती हूँ, तू कैसा टेढ़ा है, तेरे एक एक लक्षण मुझे पता है, तो वक्र कला शालिन, अरे वक्र कला तेरी एक एक कला को मैं जानती हूँ, तेरी कला पहचानी हुई है, मुझसे ये कला छिपी हुई नहीं है। जैसे जादूगर का जादू दूसरे को मोहित करने वाला होता है, वो जादू के तत्व को जो जानने वाला है जादूगर, उसको मोहित करने वाला नहीं होता है, इसी प्रकार मैं तेरे तत्व को जानती हूँ, मैं मोहित नहीं होंगी, जो ट्रिक नहीं जानता है वो मैजिक को देख करके मोहित हो रहा है, क्या ये क्या कर दिया,
परंतु जो त्रिक जानता है कि इसने आरा चला करके इस लड़की को बीच से काटा, परंतु लड़की नहीं है, लड़की तो नीचे है और आरा जो है वो ऊपर ऊपर रह गया, लड़की तो नीचे है, टेढ़ी होकर के लड़की को सुलाया गया है और लड़की नीचे दब गई है और ऊपर से आरा काटते हुए विराजमान है, ऊपर से आरा चला रहा है। तो जो ट्रिक जानता है वो मोहित नहीं है, जो ट्रिक नहीं जानता है वो मोहित हो गया कि अरे इसने बिल्कुल आरे से लड़की को काट दिया, लड़की मरी नहीं, ये क्या बात हुई। तो जैसे जो ऐसे ही मैं तेरी सारी वक्र कलाओं को अच्छी तरह से जानती हूं, मैं तेरी मोहिनी से मोहित होने वाली नहीं हूं। सो अरे वक्रशला कलाशालिन चंद्रावली क्रोड चरासन, चंद्रावली की अंक में बहुत समय तक आसंग प्राप्त करते हुए अरे भंगुर कुरंग, अरे टेढ़े मृग, अपे ही दूर हट एश पम पर भविष्यति मया, तू फिर से मुझे ठगने के लिए यहां आ गया। या हि माधव या हि केशव मा कुर कैतव बादम, दूर हट जा अब कैतव बात करने की छल करने की जरूरत नहीं है। जहां पर शिवप्रिया वो ही टेढ़े जो वचन है श्री गीत गोविंद में जो जैसे वचन कह रही हैं, या हि माधव या हि केशव मा कुर कैतव बादम, मेरे साथ में कई तब बात करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं बातों को प्रकट करती हुई प्रकट हो कर रही है और कह रही है। ऐसा कहते हुए शिवप्रिया कर्णोपलेन क्षुपंती, उस समय कुटुंबित भाव धारण करती हुई प्यारे को अपने कान में लगाए हुए जो लीला कमल, उस लीला कमल के द्वारा तारित करती हुई उस समय विराजमान हो रही हैं, लीला कमल से प्यारे को पीटती हुई दूर सरकाती हुई विराजमान हो रही हैं। कर्णोत्पलम क्षपंती, कर्णोत्पल से प्यारे को दूर करती हुई विराजमान हो रही हैं। पर तो श्याम सुंदर जैसे नहीं मान रहे हैं, सब भाव में लीला हो रही है, श्याम सुंदर के है ही नहीं यहाँ, परंतु भाव में भावोन्माद में शिवप्रिया उसका दर्शन कर रही है और भावोन्माद में कह रही है कि अरे वृंदावन के तीर कदम निवासी हो, एक वृंदावन की यमुना तीर के निवासी, अरे कदम हो तुम, कदम वृक्ष हो तुम, इस समय गवाही हो गवाही हो, देखो मुझे दोष मत देना, ये चंचल मेरे मना करने पर भी मुझसे दूर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। यमुना तीर कदम बाहा संप्रति मम हम हंत साक्षरो यूयम, अरे वृंदावन के यमुना तट के अरे कदम वृक्षो अब तुम ही एकमात्र मेरे साक्षी हो, तुमको गवाही देनी पड़ेगी, जो सत्य देखे और सत्य देखने पर भी गवाही न दे उसको यमधर्मराज दंड देते हैं, वो अपराधी होता है, तुमने यदि कोई यहां देखा है तो गवाही देना यह भी तुम्हारा कर्तव्य बनता है। अरे वृंदावन के कदम हो तुम सब गवाही हो मेरे कि एश बलान माम अबलाम, हाय मैं अबला हूं और ये बलवान गोकुल धूर्ता, ये गोकुल का धूर्त, गोकुल का ये चंचल धूर्त परम बलवान आज मुझे अबला को कदर थी, आज मेरा आज ये हंसी करने के लिए मेरी विडंबना करने के लिए यहां उपस्थित हो रहा है और ये मुझे आज विकल अवस्था में परहसनीय अवस्था में मुझे डाल रहा है। उस समय श्री परम कोमलांगी श्री किशोरी जी परम बलवान श्री श्याम सुंदर उनकी उस चंचलता का दर्शन करके आज आत्मसमर्पण करती हुई जैसे भावना में मिलन हो रहा है और भावना के मिलन में आत्मसमर्पण करती हुई श्री कह रही है कि यमुना तीर कदम्बाहा संप्रति मम हंत साक्षरो यूयम, अरे यमुना तट के कदम्बो तुम ही इस समय मेरे साक्षी हो, एश बलाम माम अबलाम मैं अबला हूं परंतु ये बलवान माम गोकुल धूर्तः कदर्थयति, गोकुल का प्रसिद्ध धूर्त ये आज मेरा अपमान करने के लिए
मुझे मुझे परहास का पात्र बनाने के लिए देखो ये मेरे मना करने पर भी नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा है और आज मुझे कदर्थना प्रदान कर रहा है, मुझे परहास की पात्र बना रहा है। कर्णमासी जी कह रही है अरे बेटी ललता सुना, छुप करके देख रही है कर्णमासी जी और कह रही है ललता सुना परम कोटि अधूरा राधिको कंठा, श्री राधिका की उत्कंठा इस समय परम कोटि में चढ़ गई है, तद यम त्वरितम अभिसार्यताम, अब देर लगाने की जरूरत नहीं है, राधिका को अभिसार कराओ, अभिसार कराओ। श्री ललता जी कह रही है कि श्री ललता जी पास में आ गई और ललता को पास में आकर मैंने अभी छिपी हुई थी अब प्रकट हो गई और कह रही है अरे सखे राधे अकेले अकेले किससे बात कर रही है, एक ही किम मंत्र से ये कौन से बतला रही है, कौन से बात कर रही है। श्री राधिका ललता को देखती है और मनी मन में कहती है कि सत्यम एक ही काश्मी, बोले हैं मैं अकेली हूं क्या, अभी प्यारे थे प्यारे कहां गए, प्यारे तो अभी मेरे पास में ही थे मैं प्यारे कहां गए, एकदम व्याकुल हो जाए। तो सत्यम एक ही काश्मी, क्या मैं अकेली हूं या कृष्णो न दृश्यते, अरे वो छलिया कहां गया, वो कृष्ण नहीं दिख रहा है, ऐसा कहकर के ललता से कह रही है बोले अरे सखे मैं अकेली नहीं थी, जान गई तेरे सखा के पास में किसी दूसरे के हृदय में प्रवेश करने की कोई विद्या है, उसने मेरे हृदय में प्रवेश कर लिया है, अभी तक तो वो सामने था परंतु तेरे सखा में, ये कोई तेरा सखा जैसे इनका तो कोई लगता ही नहीं है, तेरे सखा में कोई ऐसी अपूर्व विद्या है जो किसी दूसरे के हृदय में प्रवेश कर जाए, तो परतन प्रवेश विद्या कथमे श्यामेन कामना पठता, बोले उस कामी श्याम ने दूसरे के हृदय में शरीर में प्रवेश करने की विद्या कहां से पढ़ ली, मम हृदय मानाग्नि प्रविश्य निर्वापिता येन, हाय उसने मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरे हृदय में तो मान की अपूर्व अग्नि प्रकट हो रही थी परंतु उस अग्नि को उसने बुझा दिया, वो मेरा मान कहां गया पता ही नहीं लग रहा है मेरा मान कहां गया, ऐसा जो कहती है और ऐसा कहकर के विशाखा जी इतने में प्रवेश करती हैं और विशाखा उस समय कह रही है हला सोल हस्ता लब्धा इहं पत्रिका, के सोल हस्तात लब्धेम, सोल के हाथ से मैंने एक पत्रिका पाई है और ये सोल अभी अभी एक पत्रिका देकर के मुझे गया है, जरा पढ़ना, ऐसा कहकर के ललता जी को जो दी, ललता जी उस पत्रिका को पढ़ रही हैं और उस पत्रिका में अन्योक्ति अलंकार में कुछ लिखा हुआ है, संस्कृत नाटकों की या जो रस पद्धति है उस रस पद्धति की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उसमें जब भी पत्रिका लिखी जाएगी प्रायः पत्रिका अन्योक्ति अलंकार के रूप में लिखी जाएगी, अन्योक्ति वहां होती है जहां पर वर्णन हो किसी का परंतु तात्पर्य हो कहीं तीसरी जगह, नहीं पराग नहीं मधुर रस नहीं विकास एकाल अली कली सो विधेयो आगे कौन हवाल, ये सब अन्योक्ति की उत्पत्ति है ऐसी अन्योक्ति में, ताकि वो पत्रिका किसी गलत आदमी के पास में अनुचित व्यक्ति के पास में भी पड़ जाए तो उसमें गोपनीयता बनी रहे और वो कोई दूसरा समझ नहीं सके, एक तरह से कोड लैंग्वेज में वो पत्रिका लिखी जाती है, पत्रिका जो है वो अन्योक्ति में लिखी जाती है जिसमें प्रकृति के किसी वस्तु के माध्यम से अपने हृदय के प्रेम को प्रकट किया जाए, जब तक छपा करके दी गई है परंतु फिर भी यदि पत्रिका किसी दूसरे के हाथ में पड़ भी जाए तो वह अधिकारी व्यक्ति को उसके अर्थ को समझे और अनधिकारी उसके अर्थ को नहीं समझे, तो अन्योक्ति अलंकार में कह रही है श्री ललता जी उस पत्रिका में लिख रही है, ध्यान रहे ये पत्रिका श्री वृंदा जी ने सोल को दी, वृंदा ने अपने हाथ से जब ये देखा
कि श्री राधा कृष्ण इनका मान नहीं शांत, राधिका का मान शांत नहीं हो रहा है, और प्रयत्न करने पर भी श्याम सुंदर श्री राधिका से मिल नहीं पा रहे हैं। उस समय श्री वृंदाजी ने श्री राधिका को समझाने के लिए एक पत्रिका लिखी और उस पत्रिका को श्री वृंदा ने सोवल को दिया और सोवल से कहा कि सोवल विशाखा को ये पत्रिका दे देना। वो पत्रिका विशाखा जी के पास में पहुंची। विशाखा ने अब ललिता को दिया है। एक तरह से श्री वृंदा जी श्री ललिता को ये संबोधन कर रही है, समझा रही है कि तुम राधिका के मान की अग्नि में घी मत डालो। सारी सखी दुखी है, ये ललिता मान दे रही है। ललिता श्री किशोरी जी के हृदय में मान को हवा दे रही है, मान की अग्नि को बढ़ा रही है। तो श्री वृंदा जी ने बड़ी विनम्रता के साथ में ललिता के हाथ में एक पत्रिका दी और पत्रिका देकर के ललिता को, श्री ललिता जी को जैसे संबोधित किया है, ललिता को शिक्षा दी है कि तुम इस मान को अब बढ़ाओ मत, और हे श्री ललिते किसी तरह से श्री राधिका का श्याम सुंदर से मिलन हो जाए, इसके लिए प्रयत्न हो। बहुत खेल हो गया, ये मान बहुत ज्यादा हो गया, अब मान को और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उस पत्रिका में लिखा हुआ था कि मेद्यो पे माधव कया मधुको यदेश समाप्त करे क्षिप्त स्वयं प्रचलता नव पल्लवेण तस्या खलु क्षत्रिय सुषमाक्षण नन्यंते विरवन अरविंद निशु। कि ध्यान रखना, ध्यान रखना कि एक मधुप माने भोरा मेध्य बड़ा पवित्र है। ये जो भोरा है, ये भोरा भोरे के माध्यम से कोई बात कही जा रही है कि ये भोरा बड़ा पवित्र है, और ये माधवी लता के पास में ये भोरा माधवी लता के माधुर्य का आस्वादन करने के लिए उसके पुष्प के ऊपर बार बार घूम रहा है। अर्थात श्री श्याम सुंदर हो गए भोरा, श्री राधा रानी हो गई माधवी लता, और ये श्याम सुंदर रूपी भोरा माधवी लता के चारों ओर फिरकी दे रहा है, चारों ओर भ्रमरी दे रहा है। परंतु अरे ललिता रूपी हवा, तू बार बार हवा करती है, और हवा करने से वो माधवी लता क्या करती है कि वो उस भोरे को अपने कर पल्लव के द्वारा, अपनी डाली के द्वारा, अपने पत्तों की झपट दे करके उसको दूर सरका देती है। भोरा बार बार माधवी लता के ऊपर आना चाहता है, परंतु हिलने वाली जो चलने वाली हवा, उस हवा